दिनों से हमारा जो ये धरना चल रहा है, हम राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं अलग अलग योजनाओं के ऊपर। और हमारी मांग ये है कि राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसे बेहतरीन कानून पास किए हैं जो कि पूरी दुनिया में और देश के अंदर पहली बार हुए हैं। मसलन एक कानून उन्होंने पास किया जिसका नाम है मिनिमम गारंटेड इनकम, जिसके अंदर लोगों को शहरी, ग्रामीण और पेंशन के कानूनी अधिकार को दिया गया है, जो अभी तक एक साथ कहीं पर भी नहीं है। उसके नियम नहीं बने और हम नियम बनाने के लिए कह रहे हैं। कानून बन गया था सरकार बनने से पहले ही, नई सरकार बनी उससे पहले ही, अब उसके नियम बनने बाकी हैं, नियम नहीं बना रहे हैं। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक कानून पास किया गया जो दुनिया में नहीं हुआ, वो है गिग वर्कर्स के लिए। कानून पास हो गया, उसके लिए उनका बोर्ड बनेगा, लेकिन उसके भी नियम नहीं बने। तो हम चाहते हैं कि वो नियम बने जिससे कि ओला उबर स्विगी में काम करने वालों। एक और तीसरा बड़ा कानून जो देश में कहीं नहीं बना है, क्या राइट टू हेल्थ, जो ब्रिटिश सरकार, मतलब एक तरह से कहें कि यूके में है राइट टू हेल्थ, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो अब हिंदुस्तान में एक राज्य जो राजस्थान है जिसने पास किया है, जिसका नाम है स्वास्थ्य का अधिकार कानून, जिसके ऊपर आज हम ये धरना भी कर रहे हैं। आज का विषय भी यही है। इसका भी रूल्स बनने हैं, इसके भी रूल्स नहीं बने हैं, जिससे कि ये तीनों प्रकार के कानून जो है वो लागू हों और जनता को उनका लाभ मिल सके। इसी को लेके हमारा ये धरना जारी है और हमारी ये मांग सरकार से है कि जल्द रूल्स बनाए और लोगों को इस कानूनों के कल्याण से एक तरीके से प्राप्त करवाए। हम लगातार 8 दिन, मैं पृथ्वीराज जोधपुर से हूँ, हम लगातार 8-9 दिन से यहाँ धरने पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर। आज हमारा जो मुद्दा है जन स्वास्थ्य अधिकार को लेकर, जो सरकार हमारे लिए एक स्वास्थ्य का अधिकार लेके आई, उस अधिकार के अभी तक मतलब जो नियम नहीं बने, उस अधिकार के नियमों को लेकर हम आज लगातार 9वें दिन से धरने पे हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि इस स्वास्थ्य के ढांचे में सुधार करें, जिससे कि आम गरीब लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिल सके। और मैं जो भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो जो सुचारू जो सुविधाएं होती है वो अभी तक प्रॉपर रूप में नहीं मिल रही है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना कर पा रहा है। जिससे कि हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन व्यवस्थाओं में सुधार करे, जो गरीब लोगों को समय पर मुफ्त में इलाज मिल सके और स्वास्थ्य के अधिकार के जो नियम है वो लागू करे और पूरे राजस्थान में जनता को राहत दे। धन्यवाद। पृथ्वीराज जोधपुर से। 8 दिन अड्डे बैठे नहीं गए, 8 दिन हो गया अड्डे बैठे रह गया जी। मैं काई हाल मालूम हो रही है कार्यक्रम भाई, मांग तो सगड़ी मांगी, पेंट लानी चाहिए न, मारे भी जमीन का पैसा आलू ही नहीं आयो, सबका पैसा और मारे ना रही हो, कई बात है थोड़ा कहेगा हरिया क्यों को ना बेटा गायब कर जा, ए तहसीलदार पटवारी दो बारी जाए बेटा नाम सुनाई न करे, आ जाए बाबा टूल देर खाड़ दे, अब तो आज जाएंगे मैं 2 बजे बाद में चले जाऊँ। देखो कहीं करा दे कम सरकार है, जब ऑर्डर हो दे हो मारे बेरा का पैसा आवे कौन, जमीन का पैसा सबका आवे मारे ना आवे, अरे जमीन कटी है मारा 7 बीघा आंगण ही कमान में 10 आदमी बैठा, पर मैं कोई आश ना करा, भगवान भी मैं पूरा है।